हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि ठंड के दिनों में जो पहाड़ों पर चट्टानें होती हैं वह फटने लगती हैं, उनके बीच में विस्फोट होने लगता है और वह टूट कर बिखरती हैं। ऐसी ही कुछ घटनाएं हमारे घरों में उपस्थित जो पाइपलाइंस होती हैं जिनमें से पानी सप्लाई होता है वे भी ठंड के दिनों में फटने लगते हैं। तो आज की वीडियो में इसी टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर में ये दोनों घटनाएं ठंड के ही मौसम में क्यों घटित होती हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि जो पर्वत होता है, पर्वत पे चट्टानें जो होती हैं उन चट्टानों के बीच में दरारें होती हैं और उन दरारों में से पानी रिसकर बहता रहता है और वो फिर नदी और समुद्र में जाकर मिल जाता है। तो ठंड के दिनों में जब बहुत अधिक मात्रा में ठंड पड़ने लगती है, जब टेम्परेचर एटमोसफियर का 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे जाने लगता है, तब पानी जो है बर्फ में कन्वर्ट होने लगता है। तो वो जो दरारें रहती हैं, जब उन दरारों में से रिसता हुआ जो पानी रहता है जब उसका टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस के नीचे आता है, तब वह 4 डिग्री सेल्सियस से जब नीचे आएगा उसके बाद 0 डिग्री सेल्सियस आएगा, उसके बाद वे बर्फ में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में भी बताया कि टेम्परेचर बढ़ाने पर पानी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन जब पानी का टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे आता है तब उसका आयतन बढ़ने लगता है, क्योंकि परिभाषा उसकी यही होती है कि आकृति जो है बदलती रहती है लेकिन आयतन निश्चित रहता है। लेकिन 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे आने पर पानी का जो आयतन होता है वो बढ़ने लगता है। तो जब ठंड के दिनों में जो पानी रिसकर बहता रहता है चट्टानों में से, जब उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचता है, जो कि 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे जा चुका है, तो फिर आयतन बढ़ने लगता है और वो बर्फ में बदलने लगता है। तो वही जो पानी आप पर रिसकर बहता रहता है, जब वो बर्फ में कन्वर्ट होता है, तो बर्फ में कन्वर्ट होने में उसका आयतन बढ़ता है, और जब आयतन बढ़ने की वजह से जब प्रेशर ज्यादा हो जाता है, बहुत ज्यादा हो जाता है, तब वही चट्टानें फट जाती हैं और फिर उनमें विस्फोट होने लगता है। ये घटना जो है चट्टानों में लगातार वहां वहां स्थानों पर होती है जहां जहां से पानी रिसकर बहता है, क्योंकि ये ठंड के ही दिनों में इसलिए होता है क्योंकि ठंड के ही दिनों में पानी जो है वो बर्फ में बदल जाता है और फिर आयतन बढ़ने पर वे चट्टाने फटने लगती हैं। यही घटना जो है हमारे घर में उपस्थित जो पाइपलाइंस होती हैं जहां से पानी जाता है, सप्लाई होता है हमारे घर में, उनमें भी यही घटना होती है कि जब ठंड का दिनों में टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम हो जाता है तो वो जो पानी रहता है वो बर्फ में बदल जाता है, और बर्फ में बदलने की वजह से जब उसका आयतन बढ़ने लगता है, तो आयतन जब बढ़ता है तो उस वजह से पाइपें जो रहती हैं जो कमजोर हो चुकी होती हैं वे फट जाती हैं। तो ओवरऑल यही कंक्लूजन निकलता है, चट्टानों में और जो पाइप है और भी ऐसी बहुत से स्थान है जहां पर ठंड के दिनों में ऐसी घटनाएं घटती रहती हैं। तो आई होप कि आप इस चीज को समझ गए होंगे कि सारा जो मैटर डिजॉल्व यहाँ पर वर्किंग करता है वो पानी का ही करता है, कि पानी अपने आयतन को बढ़ाने लगता है और इसी वजह से ये हो पाता है, क्योंकि पानी बहुत ही ज्यादा पावरफुल एलिमेंट होता है। हमारे जो शरीर में 5 तत्व तो बना हुआ है, उसमें पानी भी है एक एलिमेंट, तो पानी बहुत ज्यादा मोस्ट पावरफुल एलिमेंट होता है। इस टॉपिक को मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा पानी वाटर के ऊपर, क्योंकि वाटर के ऊपर बहुत सारे बेसिक ऐसे थ्योरीज भी हैं और बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हैं जिन पर एक कंप्लीट लॉन्ग वीडियो बनाया जा सकता है। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अब मैं आपसे मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में दूसरे इंटरेस्टिंग टॉपिक सर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।